तो आपके भी कोई भी मोबाइल में आप कह देते कि जियो का नेट स्लो चल रहा है, बहुत ही स्लो चल रहा है, आप क्या करना चाहते हो, अपने जियो इंटरनेट का स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, फुल स्पीड में इधर से रखना चाहते हो, तो कैसे रख सकते हो मैं आपको दे देंगे, कुछ सेटिंग बताऊंगा उसकी मदद से आप बहुत ही इजी तरीके से अपने जियो का इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो को देखते हो तो आप बहुत ही इजी तरीके से सीख जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की इधर से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको इधर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको इधर देखिए चेक करना है आप किस नंबर पर अपना सिम को डाला हुआ है, आपके सिम एक नंबर पर है या दो नंबर पर, आपको इधर चेक कर देना है। तो सिंपल देखिए आप मोबाइल डाटा के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इधर देखने को मिल जाएगा सिम वन है या सिम टू है, तो आपको इधर देखिए चेक कर देना। तो आपके मोबाइल में देखिए जियो का सिम नंबर टू पर है तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा, वन पर डाल देना है, या आपका वन पर है तो आपको इधर टू पर डाल के आपको इधर एक बार चेक कर देना है आपका इधर देखिए इंटरनेट स्पीड आ रहा है स्लो आ रहा है करके। तो वो चेक करने के बाद देखिए आपको उधर दूसरा क्या सेटिंग करना पड़ता है वो मैं आपको उधर बता देता हूँ। तो आपको उधर देखिए फिर से आपको उधर क्या करना पड़ेगा, मोबाइल नेटवर्क के मोबाइल डाटा के ऊपर क्लिक कर देना तो इस तरीके से आ जाएगा। तो आपके इसमें इस तरीके से नया रहे तो आपको उधर क्या कर सकते हो, सेटिंग में जाके मोबाइल नेटवर्क के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो आने के बाद आपको सिम के ऊपर क्लिक कर देना, आपका सिम वन है या टू, तो मैं सिम के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखिए आपको उधर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप करके, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल के हिसाब से ये रहेगा, आपका मोबाइल 5G है तो आपको देखिए 5G भी देखने को मिल जाएगा, आपका मोबाइल 4G है तो 4G भी देखने को मिल जाएगा, आपका मोबाइल 3G है तो 3G भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको इधर से क्या करना पड़ेगा, आपको इधर चेक कर देना है कौन से सेलेक्ट करके रखा हुआ है आपने करके। तो इधर से देखिए मैं सेलेक्ट करके रखा हुआ है 4G को, जैसे कि 4G 3G 2G करके आ रहा है। तो आपको देखिए चेक कर देना आपको इधर के 4G रखा या 2G या 3G रखा है तो आपको उधर 4G पे रख देना है। 4G रखने के बाद भी देखिए नहीं आ रहा है तो आपको उधर देखिए 5G है तो आपका फ़ोन आपको 5G के ऊपर रख देना है। तो आपके मोबाइल में 5G नहीं है, 4G है तो आपको 4G के ऊपर उतना ही रख देना है। तो रखने के बाद देखिए आपको अगला सेटिंग इधर से क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको उधर बताया था। तो आपको इधर के क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे देखिए आपको उधर एक्सेस पॉइंट नेम्स करके आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए बहुत लोगों का प्रॉब्लम इधर से सॉल्व हो जाता है। तो इधर से देखिए आपको इधर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में मतलब आपको उधर बताया तो आपको थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करके रीसेट एक्सेस पॉइंट करके आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपना APN सेटिंग को इधर से रीसेट कर देना है। तो रीसेट करने के बाद पहले जैसे आपका इधर की APN सेटिंग हो जाएगा तो इधर देखिए वर्क करेगा बहुत ही ईजी तरीके से। तो ये करने के बाद भी इधर देखिए आपके मोबाइल में वर्क नहीं कर रहा है तो मैं आपको इधर के लास्ट सेटिंग बता देता हूँ, और मैं आपको इधर देखिए कुछ डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ कितना MB तक आता है इसमें करके। तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा, एक न्यू APN सेटिंग को इधर से क्रिएट कर देना है। तो इसके लिए आपको इधर के प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके देखिए न्यू APN करके आ जाएगा। तो आपको इधर देखिए नेम करके आपको इधर दिखाई देगा, इधर आपको लिख देना है जियो इंटरनेट करके, और आपको इधर देखिए नीचे लिख देना है जियो 4G करके। तो इधर देखिए 4G करके लिख चुका हूँ। तो लिखने के बाद देखिए वैसे आपको इधर नीचे आना है, तो नीचे आने के बाद देखिए आपको सर्वर करके एक ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इधर देखिए लिख देना है www.jio.com करके। तो लिखने के बाद देखिए वैसे ही नीचे आना है, तो नीचे आने के बाद देखिए MCC आपको इधर देखिए 405 होना चाहिए और MNC आपको 861 होना चाहिए। तो होने के बाद देखिए नीचे आपको इधर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑथेंटिफिकेशन टाइप करके, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपको इधर लास्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है PAP और CHAP के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आपको इधर दो ऑप्शन आ जाएगा APN प्रोटोकॉल और देखिए APN रोमिंग प्रोटोकॉल। तो आपको इधर देखिए फर्स्ट के ऊपर क्लिक करके आपको इधर देखिए लास्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, वैसे ही सेकंड के ऊपर भी क्लिक करके आपको लास्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद देखिए आपको उधर लास्ट एक सेटिंग करना पड़ता है बैरियर करके आपको ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके देखिए नॉट स्पेसिफाइड करके आ जाएगा, तो आपको इसे कैंसिल करके अनटिक करके LTD उतना ही रख देना है। तो रखने के बाद देखिए आपको बैक आ जाना है, तो बैक आने के बाद देखिए राइट मार्क आपको ऊपर दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक देखिए नया APN सेटिंग ओपन हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो आप इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि देखिए ये क्लिक करने के बाद देखिए नेटवर्क इधर से गायब हो गया फिर से आ जाएगा। मैं आपको इधर दिखाया था दोस्तों कितना स्पीड तक ये आता है करके, तो एग्जाम्पल के लिए दिखाने के लिए मैं इधर से कोई एक डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो इधर से देखें एड बॉर्ड पोल को मैं डाउन करके दिखाता हूँ और कितना MB आता है वो मैं आपको उधर दिखा देता हूँ। तो ये सेटिंग करने के बाद देखिए बहुत ही MB बढ़ जाता है, जैसे कि देख सकते हो 1 MB देखिए 4 MB प्लस आ रहा है इधर देख सकते हो। वैसे देखिए इतना स्पीड तक आप बहुत ही ईजी तरीके से देखिए यूज़ कर सकते हो, अभी देख सकते हो देखिए 6 MB तक इधर से जा चुका है। तो इस तरीके से देखिए आप इस सेटिंग को यूज़ करके
आप देखिए कुछ भी इधर से यूज़ कर सकते हो, हाई स्पीड में इधर से देखिए यूज़ हो जाएगा। आप देखिए इधर से यूट्यूब को चला दोगे तो बहुत ही इस तरह की काम करोगे, यूट्यूब भी ओपन आ जाएगा, बहुत ही इसी तरह से इधर लोड भी होने लगेगा। तो इधर से देखिए लोड कितने जल्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आप सेटिंग को इधर से चेंज कर सकते हो, वो सेटिंग में नहीं वर्क करेगा तो ऊपर का भी क्लिक कर देना या नीचे का भी क्लिक कर देना, तो इस तरीके से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको देखिए वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।